ऐसी क्या बात हुई जिसने भी एक तस्वीर देखी उसकी जुबान से दो सवाल निकले, बात बन गई या बिगड़ी। राजभर ने सफाइयों के लिए जो अंदाज दिखाया उससे जाहिर हो गया राजभर को कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओपी राजभर ने सफाइयों के सियासत को चढ़ाया, 11 बजे का बस इंतजार है, फिर देख लेंगे आपको। राजनीति में वक्त की अहमियत खूब है, यहाँ सियासत टाइमिंग से की जाती है। टाइमिंग में टाइम बहुत ताकतवर होता है। किस टाइम पर कोई नेता किसी नेता से मुलाकात करता है उसकी भी अपनी ही जगह सियासत में है। मुलाकात की उस टाइमिंग पर गौर किया जाए तो बहुत कुछ बातें, ढेर सारी रणनीतियां जो पर्दे के पीछे छिपी रहती हैं उसको डीकोड करने में आसानी होती है। अब देखिए ना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिस टाइम पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से मुलाकात की उस टाइम को देखकर राजनीति का विश्लेषण करने वालों के कान खड़े हो गए, वो चौंक गए, सोच में पड़ गए। ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया, किस वजह से मुलाकात की, ऐसी क्या वजह रही कि भूपेंद्र चौधरी को ओपी राजभर से मुलाकात करने के लिए उनके ऑफिस आना पड़ा, यह अपने आप में बड़ी बात है। भूपेंद्र चौधरी चाहते तो राजभर को कह सकते थे कि आइए मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, क्योंकि जिस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बीजेपी यूपी में कोई ऐसी वैसी छोटी पार्टी नहीं है। हालांकि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर अभी बीजेपी के नए नए दोस्त बने हैं, लेकिन ये बात भूलने वाली नहीं और ना ही इग्नोर करने वाली है। कद में सुभाषपा से कई गुना बड़ी बीजेपी है, फिर भी उसके प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने से ही बहुत छोटी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं तो दाल में कुछ काला देखने वालों को तो जरूर दिखेगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ओपी राजभर से मुलाकात की तो उसके मायने क्या हैं? अब कहने वाले कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शायद ओपी राजभर को ये कहने गए, देख लीजिए अगर बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान घोसी में जीत नहीं पाए तो दोस्ती समझिए खत्म, आप अपने रास्ते जाइए और दारा भी अपने लिए कोई और पार्टी ढूंढ लें, क्योंकि आपके विश्वास पर ही बीजेपी ने आपको घोसी की लड़ाई में हीरो का दर्जा दिया, अपनी पार्टी के नेताओं से ऊपर इस लड़ाई में आपको तवज्जो दी, जो भी आपने कहा वो किया, बावजूद इसके अगर बीजेपी हारी तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। एक और तर्क गढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है घोसी की लड़ाई में ओपी राजभर को बीजेपी ने जिस तरीके से अकेला छोड़ दिया, जिस तरह घोसी के स्थानीय बीजेपी नेता से लेकर कार्यकर्ताओं ने राजभर को भाव नहीं दिया उससे वो नाराज हैं, बेहद नाराज। माना जा रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की नाराजगी को दूर करने के लिए ही उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया, भले ही घोसी में बीजेपी उम्मीदवार की हार हो आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ जो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है, जो विश्वास दिलाया था वो पूरा किया जाएगा, आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए। और कई बातें सियासी गलियारों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में तैर रही है। इस मुलाकात की इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि भूपेंद्र ने रात के वक्त अचानक राजभर के ऑफिस में जाकर मुलाकात की और तो और भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की तस्वीर को खुद एक्स पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने पोस्ट किया, मानो उनको बता रहे हूँ सोचिए, आप लोगों को जितना सोचना है सोचिए, जितना अनुमान हमारी राजनीति को लेकर लगाना है लगाइए, अपनी राजनीति तो चल पड़ी है, अपनी पूछ तो अब भी वैसी है जैसी पहले हुआ करती थी, तभी तो सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का विश्वास उनके चेहरे पर दिखने लगा, तभी तो वो डंके की चोट पर मुस्कुराते हुए कह रहे हैं घोसी में भाजपा ही जीतने जा रही है, दिन रात बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और घर घर जाकर वोटों की अपील की, यहाँ से 100% बीजेपी ही जीतने जा रही है, जब मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी तो सारे सपा के कार्यकर्ता 11 बजते ही पंडाल छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे। ओपी राजभर का ये कॉन्फिडेंस सब चेहरे पर निखर कर सामने आया जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी राजभर ने उनसे मुलाकात की। वैसे ओपी राजभर लगातार सपा पर हमले कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि सपा के तमाम बड़े नेता यहां पर अपने प्रत्याशी की जमानत बचाने के लिए घूम रहे हैं, सपा को पता है कि उसकी हालत खराब है, इसलिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव से लेकर शिवपाल यादव गांव-गांव घूम रहे हैं। यही नहीं, खुद अखिलेश यादव भी जो कभी उपचुनाव में प्रचार नहीं करते थे वो भी यहां पर आए। उन्होंने कहा कि सपा को बस मुस्लिम बहुल इलाकों में ही बढ़त मिलेगी, इसके अलावा कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ उन्हें वोट मिल पाएगा।